हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट द स्केच ऑफ राजकुमार शुक्ला फ्रॉम द चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर. राजकुमार शुक्ला वाज अ वेरी पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण. ही वाज अ शेयर क्रॉपर. ही वांटेड गांधीजी टू हेल्प पुअर पीजेंट्स इन देयर फाइट अगेंस्ट द अनजस्ट लैंडलॉर्ड सिस्टम. राजकुमार शुक्ला एक बहुत गरीब किसान थे. वो चंपारण में रहते थे और वो एक शेयर क्रॉपर थे. वो चाहते थे कि गांधीजी चंपारण आए और यहाँ के जो जमींदारी प्रथा है, लैंडलॉर्ड सिस्टम है, इसके विरुद्ध वो आके यहाँ पर एक आंदोलन करें. फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ही वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन. राजकुमार शुक्ला गरीबी से ग्रस्त थे. राजकुमार शुक्ला वॉज वेरी पुअर. ही वॉज पुअर बिकॉज ऑफ अनजस्ट लैंडलॉर्ड सिस्टम एट चंपारण. राजकुमार शुक्ला बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन उनका गरीबी का कारण था कि बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी और ब्रिटिशर्स थे, उनके वजह से वहाँ के जो किसान हैं वो बहुत गरीब थे, क्योंकि वो ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती यहाँ के किसानों से करवाया करते थे. ही वॉज वेरी रेसोल्यूट. रेसोल्यूट होता है दृढ़ निश्चयी. जो इंसान एक बार किसी काम को करने की ठान लेता है उसे हम रेसोल्यूट कहते हैं. ही वॉज टू डिटरमाइंड टू टेक गांधीजी टू चंपारण टू हेल्प पुअर पीजेंट्स. राजकुमार शुक्ला जो थे, उन्होंने बिल्कुल ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि गांधीजी को वो चंपारण लेके जाएंगे वहाँ के किसानों की मदद करने के लिए. ही डिड नॉट लीव गांधीजी साइट एंड फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट. उन्होंने गांधीजी का बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ा और जहाँ जहाँ गांधीजी गए उन्होंने गांधीजी को फॉलो किया. एट लास्ट गांधीजी हैड टू एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट. और अंत में उसका इतना दृढ़ निश्चय देखकर गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला की जो विनती है उसको स्वीकार किया और चंपारण जाने का मन बनाया. ही वॉज इलिटरेट. ILLITERATE. इलिटरेट होता अनपढ़. राजकुमार शुक्ला अनपढ़ थे. दो राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट, स्टिल ही वॉज द ओनली पर्सन हु इनिशिएटेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट अनजस्ट लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. जबकि राजकुमार शुक्ला अनपढ़ थे, फिर भी वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ, क्रूअल अनजस्ट जमींदारी प्रथा के खिलाफ बिहार में एक आंदोलन को स्टार्ट किया. और उनका जो ये अनपढ़ होना, उनका ज्ञान ना होना, ये चीज़ उनके राह में बाधा नहीं बनी. वो अपने चैंपियन गांधी जी को बिहार लाने में सफल रहे, सक्षम रहे. ही वॉज वेल विशर ऑफ पुअर पीजेंट्स. राजकुमार शुक्ला सभी गरीब किसानों के हितैषी थे. वेल विशर होता है हितैषी. राजकुमार शुक्ला मेट राजेंद्र प्रसाद फॉर हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द अनजस्ट लैंडलॉर्ड सिस्टम, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर ऑल द पीजेंट्स. इस बात को लेकर राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद से भी मिले थे कि राजेंद्र प्रसाद उनकी लड़ाई लड़ें, जो एक लैंडलॉर्ड सिस्टम वहाँ पर है जो अनजस्ट है, जो क्रूअल है, जिसमें उनका शोषण हो रहा है, वो अपने लिए नहीं मिले, वो सभी किसानों के लिए मिले. कि यहाँ से अगर ये जमींदारी प्रथा ख़त्म हो जाती है तो किसानों के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन है, अत्याचार है, शोषण है, वो बंद हो जाएगा. ही वॉन्टेड टू लिबरेट पुअर शेयर क्रॉपर्स एंड दिस ड्रीम केम ट्रू जस्ट बिकॉज ऑफ गांधी जी. राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनको इस जमींदारी प्रथा से मुक्ति मिले, और ये सपना उनका साकार हुआ गांधी जी के वजह से. ही वॉज ब्रेव. राजकुमार शुक्ला वॉज वेरी ब्रेव बिकॉज ही रोज हिज वॉइस अगेंस्ट द क्रूअल लैंडलॉर्ड सिस्टम एंड फाइट अगेंस्ट इट इन द कॉलोनियल पीरियड. राजकुमार शुक्ला बहादुर थे, क्योंकि उस समय जो समय था उसमें ब्रिटिशर्स राज करते थे भारत में. कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ब्रिटिशर्स का राज था, और उस समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, कोई आंदोलन करते, तो ये बहुत बहादुरी का सबब था. इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए था. तो राजकुमार शुक्ला करेजियस थे, तभी तो उन्होंने जो जमींदारी प्रथा चल रही थी, जो एक्सप्लॉइट कर रही थी उन्हें, उनके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई. तो ये सिर्फ इस बात से प्रमाणित होता है कि राजकुमार शुक्ला ब्रेव थे, बहादुर थे, तभी तो ब्रिटिशर्स के काल में वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ और बिहार के लैंडलॉर्ड के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और गांधी जी ने उनका साथ दिया और वो बहुत जल्दी ही इससे मुक्त हुए. लास्ट में लिखिएगा, ही वॉज एन एंजल फॉर शेयर क्रॉपर्स. राजकुमार शुक्ला बिहार के शेयर क्रॉपर्स के लिए, किसानों के लिए एक भगवान का अवतार थे. श्योरली ही वॉज एन एंजल फॉर द पीजेंट्स बिकॉज ड्यू टू हिज एफर्ट्स दे कुड लिबरेट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. हम कहते हैं निश्चित ही राजकुमार शुक्ला बिहार के किसानों के लिए एक भगवान के अवतार थे, एंजल थे, क्योंकि इन्हीं के वजह से ही गांधी जी वहाँ पर आए और गांधी जी ने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ वहाँ पे आंदोलन किया और तब जाके बिहार के किसानों को मुक्ति मिली एक्सप्लॉयटेशन से, क्रूअल अनलॉफुल
लैंडलॉर्ड सिस्टम से। लास्ट में स्पेलिंग है एक्सप्लॉयटेशन की, EXPLOITATION, एक्सप्लॉयटेशन। सो दिस कैट स्केच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ट्राई टू मेक इट इन वेरी ईजी लैंग्वेज। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, थैंक यू।